सेन्सॉर बोर्डचा आजच्या ट्रेलरमध्ये एक जो पोर्शन आहे दाखवलेला त्याच्याबद्दल असावं असं म्हटलं जात आहे. त्याच्याबद्दल एक तर पहिलं आपलं मत काय या ऑब्जेक्शनबद्दल सेन्सॉरने घेण्याबद्दल, आणि दुसरी गोष्ट या प्रसंगाबद्दलच एकूण आपलं ओपिनियन काय आहे? जे घडलंय ते घडलेलं आहे, ते लपवण्यामध्ये काही अर्थ नाही. आणि मला असं वाटतं इकडे जर का झटपट निर्णय घेतला जात असेल तर मग एकूण बाबरी या विषयाचा झटपट निर्णय झाला तर अधिक योग्य होईल. ओके संजय जी, यहाँ पे जो एक जो आप सेंसर बोर्ड की जो आप बात कर रहे थे, इट्स जो आप लाइफ की बात कर रहे हो, ऑब्वियसली द फैमिली बता पाएंगे कि उनकी लाइफ कैसे दिखाई जाएगी, सही है कि गलत है. सही है क्या गलत है, नहीं, नहीं, वो सही बात है, वो सही बात है. नहीं नहीं वो सही बात है जो आपने बोले. मैं जो पूछ रही हूँ कि सेंसर ने जो बताया है कि देर आर सम थिंग्स दैट आर पोलराइजिंग इन जो उनको शायद नहीं दिखाना चाहिए, क्या एक तो क्या ये बात सही है, दूसरी अगर सही है तो इस पर आपका क्या विचार है? क्या सही है क्या गलत है बाला साहब के बारे में, बाला साहब के बारे में खासकर क्या सही है ये गलत है, ये तय कौन करेगा? सर पोलराइजिंग वर्ड्स, पोलराइजिंग सेंटेंसेस और समथिंग लाइक दैट आर सीरियस, एस्पेशियली बिकॉज़ दिस फेम इज कमिंग बिफोर द इलेक्शन. जैसे पूरे जिंदगी में रहे, ये बोले, बात किया उसने, बाला साहब ने जो विचार दिया, जो भूमिका व्यक्त की, उसे बायोपिक कहते हैं. ये ट्रू स्टोरी है. बाला साहब एक, ये कोई फिल्म की कोई ऐसी मनगढ़ंत कहानी नहीं है. बाला साहब की जिंदगी, बाला साहब की जिंदगी खुले किताब की तरह लोगों के सामने रही, कुछ छुपा नहीं बाला साहब की जिंदगी. और अगर तो सेंसर भी ये जो बातें हैं सेंसर भी समझ लेगी, थोड़ा समय लगता है बाला साहब का विचार हजम करने में, 50 साल के बाद समझता है कुछ लोगों को. जैसे बाला साहब ने भूमिपुत्रों की बात कही थी 50 साल पहले, तो जो लोगों ने विरोध किया था अब वही मुख्यमंत्री और वही पार्टी भूमिपुत्र वाली बात कानून बनाकर मध्य प्रदेश में लाना चाहती है. बाला साहब का विचार हमेशा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और पोलराइजिंग, जो पोलराइजिंग जो अगर है कुछ, क्या फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इन सब चीजों का?